मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ झारखंड के ऐसे फेमस प्लेस में जो कि झारखंड नहीं और भी ऑल कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लगता है, जो कि नेचर से पूरा भरा हुआ है। और इस प्लेस में जितना भी गैस लोग आते हैं, जो कि काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, जो कि राइडर होते हैं, जो कि इस रोड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं राइड के लिए, जो कि काफ़ी फेमस जगह है। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं आज के इस ब्लॉग में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा और हम लोग भी इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। उसी दूर पहुंचने के बाद आपको खतरनाक प्लेस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने के लिए साथ साथ यहां पे फोटो शूट भी काफ़ी किया जाता है, तो देखने काफ़ी अच्छा रंग नज़ारा लग रहा है। फिर कैमरामैन से आप फोटो शूट नहीं मत कीजिएगा, वरना बहुत खर्चा लग जाएगा, क्योंकि एक फ़ोटो का लिया जाता है 5 रुपया और एक फ़ोटो बोल बोल के बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं और आपका बहुत सारा खर्च हो जाएगा। तो हम लोगों का इस बहुत ज़्यादा 700 ख़त्म हो गया था फ़ोटो में, तो हम लोग निकल जाते हैं नीचे पार्क की तरफ। तो हम लोग पहुंच जाते हैं पार्क के पास और हम लोग के पास एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हम लोग को करना था केक कटिंग और केक अंदर नहीं घुसाया जा सकता था। अभी चलते हैं हम लोग टिकट लेते हैं पार्क के लिए, जो कि काफ़ी कम रेट में है टिकट यहाँ का, जो कि मुझे अच्छा लगा। और केक कटिंग करने के लिए भी हम लोग को जगह मिल गया था, जो कि डैम तरफ हम लोग काट सकते थे, हम लोग को काट के पहुँचने के बाद पता चला। तो हम लोग निकल पड़ते हैं केक कटिंग के लिए। पहले उधर 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 करो, किसका बर्थडे है? मेरी मम्मी का। नाम? उषा। कौन है? बबीता देवी है। मेरी माँ है। तुम्हारी कौन है? माँ है। हाँ है।
अभी आ गए हैं हम लोग पार्क के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त नज़ारा है और खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मुझे इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आया, तो चलिए हम लोग इन्जॉय करते हैं और साथ ही आप सभी को भी इन्जॉय कराते हैं। ये सब तो इन्जॉय कर रहे हुए थे तो मुझे भी इन्जॉय करने का मन करता है, तो मैं भी चल जाता हूँ ऊपर और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट ले लेता हूँ। इंजॉय करने में सब इधर उधर हो चुके हैं, तो सभी को मैं ढूंढता हूँ और इंजॉय करता हूँ साथ में। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप पानी से या नेचर से प्यार करते हैं तो आपको गैस यहाँ बोट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा नज़ारे के साथ मिल जाएगा, क्योंकि जब आप बोट करेंगे तो आपके पास चिड़ियों का भंडार आ जाएगा, जो कि देख के काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बस ये था पतरातू घाटी से लेकर एक पतरातू पार्क तक का एक ब्लॉग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आया होगा आप सभी को। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।